जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बलिदान देने वाले जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद धीरेन्द्र को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव पड़िया पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने धीरेन्द्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और इसके साथ ही धीरेन्द्र की पत्नी को सरकारी नौकरी, गांव में शहीद के नाम से स्मारक बनवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस गांव की माटी आज धन्य हो गई जहां ऐसे वीर सपूत जन्म लिए। राजकीय सम्मान के साथ शहीद धीरेन्द्र का अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें एक सतना के धीरेन्द्र त्रिपाठी थे। शहीद धीरेन्द्र अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता राम कलेश त्रिपाठी भी सीआरपीएफ के जवान जो कि बालाघाट में पदस्थ हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और पुलिस प्रशासन व सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीआरपीएफ के आईजी पीके पांडे ने पुष्पांजलि अर्पित की। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया, एसपी धर्मवीर सिंह ने भी शहीद को कंधा दिया। तिरंगे में लिपटे शहीद जवान के पार्थिव शरीर को लेकर आए सीआरपीएफ जवानों और पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धीरेन्द्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और इसके साथ ही शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी, गांव में शहीद के नाम से स्मारक बनवाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश धन्य है और वो माता पिता धन्य है जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे राज्य शासन की ओर से। परिजनों से चर्चा करके बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा जाना चाहेंगी तो शासकीय सेवा मैं उनको स्थान दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी और धीरेन्द्र जी की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो उपयुक्त स्थान पर ग्रामवासी, सांसद जी, विधायक जी और परिजन सब तय करेंगे। उनके नाम पर संस्थान का नाम भी रखा जाएगा, अब हम चर्चा करके तय करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।